نحمده <تكلم> <applause> ونسلي على رسوله الكريم <الگيباني> اما بعد <بأباد> فاعوذ بالله الشيطان الرجيم بشرح لي صدري ويسر لي أم وهل الأقدة من لساني يفقه قولي رب <سلي> اللهم <الله> <الله> ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 91 سي فو بعهد الله إذا عهد الله الله کا پورا اذا جب تم اپس میں احد کرو جب احد کرو उस वादे को पूरा करो वला वला वाता तुम तोड़ो अल-आइमान अलईमान बाद उनके पक्का करने के वक्त चाल तुम अल्लाह हालांकि अल्लाह ने बनाया तुम बना लिया तुमने अल्लाह को अलैकुम अपने ऊपर कफीला जामी बेशक अल्लाह जानता है करते हो कुछ अहकाम बताए हमें जो एक जामत तरीन आयत थी यहाँ पे अहकाम इलाही पूरे करने का अहद वो हो यानी कुरान और हदीस की बात मानने से रिलेटेड भी किए होते हैं उनको भी पूरा करो और आपस के भी लेन देन के मामले में जो वाहदों पर मान करते हैं उनको पूरा करने का भी हुक्म दिया जा रहा है और फिर तीसरी दूसरी एक चीज है वालमान ऐमान कस्मे खाना यानी जो लोग कस्मे खाते हैं उनको पुख्ता करते हैं फिर तोड़ने की इजाजत नहीं।, नहीं पक्का करने का ये मतलब नहीं कि जिन इस कस्मों को पक्का ना किया गया हो तो उनका तोड़ना जायज है कसम जब भी उठाई जाएगी जाए वो पक्की कसम ही होगी ना तो वो वादा जिस पर कसम खाई जाए उस पर अल्लाह को को जामिन दी जाती है और वो पक्की ही होती है उसे बिला उजर तोड़ना जायज नहीं है बल्कि तो बास कस में इंसान खुद उठा लेता है कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे नहीं करूँगा मतलब किसी चीज करने का और किसी चीज़ से मना होने का खुद ही अपने आप को जो है ना कसम कहता है कि आइंदा ये काम नहीं होगा तो फिर क्या होता है कि वक्त आता है फिर इंसान अगर उसे पूरा ना कर सके तो उसका क्या कुफारा होगा लेकिन अगर तो मजबूरी है उसे तोड़ना पड़ता तो के 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 अंदर हम पढ़ आए में भी कि जब तुम तुम खाओ या खाने के बाद तोड़ देते हो तो फिर उसका मतलब जो है उनको अपनी मुनासिब अंदाज में कपड़े तीसरी सूरत यह है कि अगर एक इन चीजों की भी ताकत नहीं तो एक गुलाब नहीं है तो फिर तीन रोजे रखे जाए अगर हम उनकी कसम उठाते हैं ना तो अगर टूट जाए चीजों का ख्याल रखना पड़ता है लेकिन आजकल हम इन चीजों का ख्याल भी नहीं रखते यानी ये, ये कुफारा जैसे एक रोजा तोड़ दे तो रोजे का कुफारा को दोबारा रखना पड़ेगा इसी तरह जो कसम टूट जाती है हम जान के तोड़ते हैं या मजबूरन टूट जाती है तो उनका कुफारा क्या है दस मोहताजों को खाना खिलाना यानी नॉर्मल फैमिलीज के जो अपने घर वालों को हम खिलाते हैं फिर उसके बाद या उनको कपड़े दे देना या एक गुलाम या लोंडी को आजाद करा देना और जिसके पास इन तीनों की ताकत ना हो वो क्या करे तीन रोजे रखे ठीक है ये चीज जो है ना हमें किसी को गाइड भी कर सके वादा तोड़ना ही इलामत है ना वादा करके वादा पूरा ना करना तो ये निफाक की इलामत है और जिन वादों पर कसम खाली जाती है कसम उठा लेती है इंसान तो फिर उसका तो कुफारा है और वो कुफारा हमें अदा करना पड़ता है वादा जो है ना वादा खिलाफी करने वालों को लाभ नहीं करते लेकिन कुफारा उनका है जो कस्में खाई जाती है अब कुछ कस्में ऐसी होती हैं कि वो हमने मतलब जैसे होता है ना मन्नत मांग ली जाती है और उन कस्मों को पूरा करने से हमारा दीन डिस्टर्ब होता है पहले जब हमने जमा अपने हर इंसान के एक जमाना जहलीत होता है जिसमें उसको दीन की समझ नहीं होती अब उस जमाने के अंदर उसने कस्में तो उठा ली अब अगर वो कस्में पूरी करता है तो उसके ईमान उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है तो फिर वो क्या करेगा कि उन कस्मों का वो पाबंद नहीं है क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है अब वो अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी बात पर कसम खाए फिर इसके अलावा दूसरे काम को इससे ज्यादा अच्छा समझे तो वो दूसरा काम अख्तियार करे और अपनी कसम का गुफारा दे दे कसम उठाई उसका कुफारा अदा कर दे और कसम पूरी ना करे बल्कि उसकी जगह पे जो अच्छा काम है ना जो दूसरा काम है जो उसके दीन के मुताबिक है वो काम करे तीसरी सूरत एक और चीज अगर किसी ने जायज काम का वादा करे या कसम उठा ले तो उसे पूरा करना भी जायज नहीं है जी मन्नत मांगी जाए कि फला कसम जो होती है ना अगर कसम उठा ली जाए फला बच्चे को हिफ्स करो या फ्लाँ फ्लाँ। तो अपनी कसम उठाई है तो फिर कसम को पूरा करना पड़ेगा जायज कामों की अगर कसम उठाई जाए तो उसको पूरा करना जरूरी नहीं है बल्कि उसको पूरा नहीं करना पूरा करना जायज नहीं मा तफ़अलून बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हैं हम अपनी बातों में अपने रिश्तों के अंदर बहुत से वादे करते हैं कस्में भी उठाते हैं दावा भी करते हैं तो जब वक्त आता है ना उन सब चीज़ों के पूरा करने का तो अक्सर ऐसे होता है कि हम उस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमने अब वादे किस तरह के किए हैं क्योंकि जिसके साथ हम वादा करते हैं वो शख्स हमारे वादों पे यकीन करने लगते हैं ना फिर वो वादे जो हैं पूरे करने का जब वक्त आता है तो फिर हम बाहमी रंजिशों को दरमियान में ले आते हैं जिसकी वजह से हमारा ईमान भी खराब हो जाता है और हम सामने वाले को हर्ट भी करते हैं तो खास तौर पर जैसे हमने पिछली आयत के अंदर मेन मेन अहकाम पड़े थे ना उनके अंदर एक ये भी बात आएगी कि वादों को पूरा करना है बेसिकली ये होता है कि कसम में अल्लाह का नाम लेना कसम होती ही अल्लाह की है यानी जो हम कहते हैं ना माँ बाप की कसम या तुम्हें मेरी कसम या बहन की कसम फलाह की कसम इसकी इजाजत ही नहीं ना कसम होती ही की है तो जो बदला अल्लाह को गवाह बनाकर ठीक है अल्लाह की कसम के साथ ये जो हम ना लगभ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना कसम से ये काम हो गया या वो जो हमारे आदत का हिस्सा बन जाता है उस पर अलग अलग मुआवजा नहीं करेंगे माईदा 89 में ही अल्लाह सुबह फरमाते हैं ला फी वला यानी तुम्हारी कस्म में लगभ कस्म पर तुमसे मुआवजा नहीं फरमाता वो कस्मे जो हम आ, ऐसे ही कर देते हैं तकिया कलाम जिसको कहते हैं हाँ जी तकिया कलाम जिनका होता है ना हर बात पे कसम उठाना और वो चीज तो जो हम हाजिर नाजिर होकर नीयत के साथ कसम उठाते हैं ना तो उस कसम को पूरा करना फिर जरूरी होता है अगर नहीं करेंगे तो उस पर फिर कुफारा देंगे वला वाला कल्लती नकत और ना तुम हो जाओ उस औरत की तरह नकत जिसने तोड़ डाला गजला सूत अपना मिम्बाद कुवती बात उसको मजबूत करने के अनकासा टुकड़े टुकड़े करके गजल कहते हैं रूई या ऊन का सूत अनकासा निक्सुन की जमा है नून कासा निक और इसका मतलब होता है टुकड़े अब यहाँ पे एक तशबी देने के लिए जो कस्मों को पोखता करने के बाद तोड़ने वाले हैं उनको तशबी दी गई है कि ऐसी औरत के साथ कि जो एक सूत कहती है फिर उसको बनाती है फिर क्या करती है उसको तोड़ देती है तो पॉसिबल है कि औरत वैसे दुनिया में मौजूद ना हो क्योंकि अगर कोई ऐसी औरत करेगी ऐसा काम के पहले सारा सूत कहतेगी बनाएगी उसे मजबूत करेगी फिर बाद में से क्या करेगी टुकड़े टुकड़े कर देगी तो जरूर ऐसे लोगों को ऐसी औरत को लोग क्या कहेंगे अहमक बेवकूफ़ इसी तरह कस्में तोड़ने वालों का भी हाल इस औरत का सा है जो अपना जो कसम पुख्ता करते हैं और फिर बाद में उसको काट देते हैं तोड़ देते हैं और अपना नुकसान करते हैं लेकिन कुछ रवायात में ऐसे भी है कि ऐसी औरत मक्का में एक पागल औरत थी जो सूत काटती थी और फिर इसे बटकर टुकड़े टुकड़े डाल कर देती थी तो उसके साथ जो है तस्वीर दी है अल्लाह की बात ना मानने वाले और अल्लाह के साथ के ये वादों को तोड़ने वालों को अल्लाह सुबह अहम बात हमें है तो बताते हैं अक्सर कस्में क्यों तोड़ी जाती हैं या वादे क्यों तोड़े जाते हैं इसकी रीजन एक बहुत बड़ी ये है कि जब इंसान के पास नेक्स्ट एक अच्छा ऑप्शन होता है ना तो फिर इंसान अपने पिछले वादों को याद भी नहीं करता इंसान सोचता भी नहीं है कि उसने किसी के साथ कमिटमेंट की थी कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो या वो फिर रिलेशंस में हो या किसी भी तरह का जब इंसान आगे कोई नया ऑप्शन देखे तो उस ऑप्शन को लेकर उसके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि मैंने किसी के साथ कमिटमेंट की है अल्लाह फरमाते ना यानी तुम बना लेते हो को अपनी कस्मों को दखला बहाना बीना आपस में अंतक ना ताकि हो जाए उम्मत उन जमात हिया वो अब ज्यादा बड़ी हुई माल में मैंने उम्मत दूसरी से अल्लाह कहते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी ग्रोह से तुम इसलिए वादा तोड़ो कि तुमने जो वादा बांधा था जिस वक्त उस वक्त तुम थोड़े नॉर्मल थे कमजोर थे अब वो ग्रो और उस वक्त वो ग्रो वो बंदा जिसके साथ तुमने वादा किया कॉन्ट्रेक्ट किया वो ताकतवर था और तुम्हें लगा कि ये ऑप्शन मेरे लिए बहुत बेहतर है तुमने उसके साथ वादा कर लिया अब क्या हुआ जिंदगी में आगे तुम बढ़े और आपकी ताकत में इजाफा हो गया आपका लेवल अल्लाह ने बढ़ा दिया अब आपने क्या सोचा कि हमने इन छोटे लोगों के साथ क्यों अपनी बात पूरी करनी है चलो हम बड़ों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अब तुम उससे ज्यादा ताकतवर खलीफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो और उसको तोड़ देते हो जाहलीत में ऐसा बहुत होता था और आज भी अगर देखा जाए ना तो बहुत जगहों में हम ऐसा कर देते हैं कि एक जगह वादा किया अब उससे अच्छा ऑप्शन मिला तो उस वादे को पूरा किए बगैर हम दूसरे के साथ कांटेक्ट करके उसको तोड़ देते अल्लाह कहते अल्लाह तुम्हें इसके साथ सिर्फ आजमाता है अल्लाह सुबहाना तला पहले भी तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर इतनी तरक्की और इतने अच्छे ऑप्शन लेके आ सकते थे ना लेकिन अल्लाह तुम्हें आजमा रहे हैं कि तुम अंदर से कितने पुख्ता इंसान हो तुम कितनी ताकत रखने वाले हो कि एक चीज जिसको तुम पहले दिलोजान से कबूल कर लेते हो फिर बाद में उसके बारे में कोई और बात करता है और फिर देख कर पानी आ जाता है और इंसान सोचता है काश मैं ये ना करता मैं वो कर लेता और बाजूकात यही काश कमिटमेंट को तोड़ने पर हमें मजबूर कर देता है क्योंकि हमारे अंदर एक जंग छिड़ जाती है हम अल्लाह की रिजा पे राजी ना होने वालों में शामिल हो जाते कभी भी जिंदगी में ऐसे नहीं करते जो चीजें अल्लाह ने दी जो अरादा आपने कर लिया जो वादा आपने कर लिया उस वादे को पूरा करना है फिर उससे ज्यादा अच्छे ऑप्शन फिर क्यों ना हमारी लाइफ के अंदर आए वही ऑप्शन जो अल्लाह के साथ मिलकर आपने वादा किया है उसको पूरा करते हैं ये सिर्फ अल्लाह की आजमाइश होती है इंसान को अल्लाह तला आजमाते हैं कि इसका दिल कितना मजबूत है और अल्लाह सब तला फरमाते हैं वाला यू बई और अलबत् जरूर वाजे कर देगा लकुम तुम्हारे लिए गयामत उस में में अल्लाह उसके बारे में जरूर वजाहत फरमा देगी कि कौन सही है कौन गलत है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर इस दुनिया के अंदर चने इख्तलाफ बाकी रहा है लेकिन आखिरत में वाज हो जाएगा वलोशाह अल्लाह और अगर अल्लाह चाहता लजालकुम तो वो बना देता तुम्हें उम्मतन वाहिदतन, एक उम्मत इन इख्तलाफ ही ना होता आपस में चत कलश और रंजश सब कुछ ना होता वला की गिल्लु में ये शाओ। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है वो यहदी में ये शाओ। और वो जिसे चाहता है हिदायत देता है ये उसकी मर्जी है अल्लाह को कुदरत हासिल है और उसको ये भी कुदरत हासिल है कि वो अख्तिलाफी ना रहने देता लेकिन उसकी हिकमत का तकाज़ा ये है कि वो तुम्हें अपना अख्तियार इस्तेमाल करने का पूरा मौका देता है जो गुमराही पे इसरार करे उसकी रस्सी गुमराही की तरफ दराज कर देगा और जो हक के जस्तजू करता है अल्लाह उसको हिदायत से सरफराज कर देगा ये चॉइस हमारी है हमने इंतहा किस चीज़ का करना है अगर हम गुमराह रस्तों का इंतहा करेंगे तो फिर हमारे वो रस्ते ज्यादा आसान हो जाएंगे और अगर हम हिदायत का इंतहाब करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हिदायत के रस्तों को आसान फरमा देंगे अल्लाह हम सबको हिदायत के रस्तों की तोफीक अदा करें वाला व अम्मा को तुम तार और यकीनन उसके बारे में तुम जरूर पूछे जाओगे जो तुम करते हो जो बातें जो जो काम जो वादे तोड़ते हो या फिर किसी को तकलीफ पहुंचाते हो हार्ट करते हो अल्लाह उनके बारे में जरूर सवाल करेंगे आपसे वल्ला तुस्ल न अम्मा को तुम तारून उस दिन हम हर चीज के बारे में हमसे पूछा जाएगा इवन बारे हमारी जो नियमते हैं उनके बारे में जो हम गुना करते हैं उनके बारे में हिसाब किताब होगा हमारा और किताब से निकलना न जाने कितना मुश्किल होगा इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जरा एहतियात करें खास तौर पे यहाँ पे वादों की बात हो रही है ना उस मामले में भी जी आप कह रहे हैं कि अगर ये हम कहते हैं कि फला दिन तुम्हारे घर आऊंगी या कॉल करूंगी तो छोटी चोट छोटी बात जिनको हम पूरा नहीं कर पाते तो ये भी हाथ तोड़ने में आता है इनशाला साथ कहें इनशाला के काम करने की कोशिश होगी फिर अगर वो नहीं होता तो उसमें जो है नद्दत नहीं है ना तोड़ने वाला तोड़ने वाली बात नहीं आती इसलिए कहा जाता है कि हर बात पे इंशाल्लाह जरूर कहा करें और अगर हम वाकई कमिटमेंट करते हैं कि हाँ ये करूंगी या कॉल करूंगी तो ये वादा है और वादे तोड़ने में आता है और अगर उस वक्त नहीं पूरा कर पाते तो फिर हम क्या करें इन्फॉर्म करें वैसे कोशिश करें पूरा करने की और अगर आपको लगता है कि कोई काम हो सकता है पड़ सकता है तो उस वक्त आप इंशाल्लाह जरूर साथ कहें अगर मुझे लाने वक्त किया तो जरूर ये काम होगा तो फिर उसमें ये वादा नहीं होता वादा तब होगा कि हम कहें अगले बंदे को कि ये काम जरूर होना ही होना है नहीं किसी ने आपका स्पेशल स्पेशल डेट पर टाइम पे आपको इनवाइट किया और आप उसके साथ कमिटमेंट कर लेते ठीक है मैं आऊंगी आप फिर आप नहीं जाते तो फिर वादा तोड़ने में आ जाता ना तो अगर कोई मजबूरी हो जाती फिर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि सामने वाले को बताओ और वैसे भी जब हम बार बार लोगों के साथ इस तरह की कमिटमेंट करते हैं और फिर उसको पूरा नहीं करते तो फिर वो आता आता हमारी रेपोटेशन भी खराब हो जाती है औलाम बी नकुम और अपनी कस्मों को अपने दरमियान फरेब का दोखों का जरिया ना बनाओ अल्लाह कहते हैं बदअहती करने की वजह से कदम थे मतलब बदअहदी देकर कोई शख्स मुर्त ना हो जाए या जो वादा तोड़ने वाला खुद ही शख्स को फर में मुबतला न हो जाए यानी बाजू का तो ऐसे होता है ना कि अगर हमने नॉन मुस्लिम से वादा किया हुआ है तो फिर हम बार बार अपने वादों को तोड़ते हैं तो वो इंसान हमारे दिल से मुतनफर हो जाता है या फिर वो बंदा जो मुसलमान हमने उससे वादा किया मतलब पूरा नहीं किया तो वो इतना आ, मुतनफर होता है कि वो इस्लाम से दूर होने लगता है इसने कहा है कि अपनी कस्मों को अपने दरमियान फरेब ना बनाओ ये ना हो कि कोई कदम इस्लाम में मजबूती से जमने लगे लेकिन तुम्हारी बात देखकर तुम्हारा इस तरह से रवैया देकर वो इस्लाम से मुतनफर हो जाए उससे दूर हो जाए इस तरह फिर क्या होगा अबिमा सदत तुम अबीर फिर कहा जाएगा तुम बुराई का मजा चखो क्यों चखो क्योंकि तुम अल्लाह के रस्ते से रोकते हो इसके बदले में जो तुमने अल्लाह की राह से रोका वाला और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आजार है इसका मतलब है कि हमारा पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा कोई अमल ऐसा हो जिस अमल की वजह से दूसरे भी दीन से दूर होने लगे या दूसरे कुरान को उस तरह ना लेने लगे जिस तरह उसका लेने का हक है यानी कुरान पढ़ने वाले मिस्टेक्स करते जाए करते जाए और लोग संद... लोग कुरान से दूर होते जाए कि अच्छा इसके पढ़ने वाले इसके सीखने वालों में अमल नहीं है तो हम करके क्या करेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि हम अपने अमल के जरिए दूसरों को अल्लाह की तरफ जाने से रोक रहे हैं ठीक है तो इसलिए अल्लाह के अज़ीम में मुबतला कर दिए जाओगे इस्लाम को बदनाम ना करो ईमान लाने वाले शक में पड़ जाए जिसका गुनाह तुम पर पड़ेगा हमारे ईमान और हमारे अमाल की वजह से किसी कि ईमान में कमी अगर आ जाती है तो इसका मतलब है हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं इसलिए गौर करिए कि हमारे अंदर कौन से ऐसे काम हैं जो हमें दूसरों की वजह बन रहे हैं यानी दूसरों को इस्लाम से रोकने की वजह बनते हैं तो गौर फिक्र करने आज इनशा ऐसे तमाम कामों पर ऐसी तमाम चीजों पर इनशाला साहित की समझ आ रही है आपको ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا أرنا تشتروا تم لو بعهد الله بدل الله أهدك عهد سمنا قليلا انما بشك عند الله الله كي هو خير لكم بہتر لكم تمهاري لئے ان كنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو یعنی उपयात में वादों की पाबंदी पर जोर दिया गया है अब ये बताया है कि ईमान लाकर जो अल्लाह से हम वादा बांधते हैं इसे भी मत तोड़ें यानी माल के लालच में आकर शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करें जो माल शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल होता है वो वबाल होता है को कम कीमत से मुराद ये नहीं है कि इंसान ये सोचे कि अच्छा उसको थोड़ी कीमत पर नहीं बेचना बड़ी कीमत ले लेते हैं ऐसी बात नहीं दुनिया ही जितनी भी कीमत होगी वो कम कीमत है इसका मतलब यह है कि दुनिया में हाइशा दुनिया में सुकून और दुनिया की रख रखाव को रखने के लिए जब हम अपने दीन को बेचते हैं तो इसका मतलब है कि हमने छोटी थोड़ी सी कीमत पर अपने ईमान को बेच डाला इसका मतलब यह होता है क्योंकि दुनिया की जितनी भी कीमत होगी वो खलील है दुनिया का बहुत थोड़ा है लेकिन हुआ को यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि जो अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे हक में बेहतर है ज्यादा पाने की ख्वाहिशात इंसान को दे के खिलाफ कर देती है कसरत इंसान को हलाक कर देती है अल्लाह को मुतक जी लोग अक्सर पैसों की वजह से मुहिद हो जाते हैं इवन के आ, अगर फर्कों की बात की जाए ना तो यहाँ पे भी मुझे भी याद आया कि एक साहिब थे उन्होंने पहले एक ग्रो यानी एक मसल में थे पैसों की वजह से दूसरे में चले गए फिर पहले वाले ने ज्यादा ऑफर की उधर आ गए फिर जब आए तो सामने वालों ने ज्यादा उससे ज्यादा ऑफर की वहां पे चले गए तो ये क्या है ये ये तो इस्लाम नहीं है दीन नहीं है ना आप किसी अकीदे पर पुख्ता नहीं है इसलिए पैसों की खातिर अपने अपना ईमान नहीं बेचना वैसे भी लोग जो है ना बाहर अगर आप जाए तो बहुत कितने अलहमद ने हमें पाकिस्तान रखे और हम इन चीजों से बचे हुए हैं जो दूसरे ममालिक जो गैर मुस्लिम हैं उनमें प्रॉपर ऑफर की जाती है लोगों को दीन बेचने की आपको इतने पैसे दिए जाएंगे आपने ये शो करवाना है कि हम क्रिश्चियन है या हम फलाम मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो कुछ लोग ऐसा कर भी देते हैं ये वक्ती तौर पर इसे अपनी नेशनैलिटी ज़ाहिर कर देते हैं कि हम मुस्लिम नहीं है सिर्फ पैसा कमाने की खातिर तो फिर वो निफाक में आ जाता है इसलिए अल्लाह सवन्न तआला यहाँ पे हमें यही समझाने कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया वो ज्यादा बेहतर है चाहे वो थोड़ा ही क्यों नहीं लेकिन जो तुम इकट्ठा करने की वजह से अपने दीन को बेच रहे हो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा कर दिया जाएगा बेबरकत वाला हो जाएगा उसमें बरकत नहीं रहेगी इन कौन तुम ता अगर तुम जानते हो यानी इल्म हासिल करो और सोचो सीखो कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया वो बेहतर है उस पर राजी हो जाओ माँ जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा बाक़ और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है यानी इस दुनिया के अंदर जिन पैसों के हाथर जिन माल और दौलत के हाथर जिन रिश्तों के हाथर हम अपने दिन को बेचते हैं हम अपने ईमान को बेचते हैं हम अपनी ख्वाहिश की खातिर अल्लाह की कुर्ब को बेच देते हैं अल्लाह कहते हैं है कि वो ख़त्म हो जाएगा वो बाकी नहीं रहेगा वो फीलिंग्स वो पैसा कब तक आपके पास रहेगा उसकी तो वो एक्सपायर भी हो जाता है वो जज्बात एक्सपायर हो जाते हैं जिनके सबब हम अपने दीन को बेच डालते हैं ऐसे ही होता है ना कि जब हम हराम रिलेशन को शुरू करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि हम उन जज्बात की कदर कर रहे होते हैं या फिर हम कोई भी हराम काम शुरू करते हैं सूद सूदी कारोबार या ऐसी तमाम चीजें अपने ऊपर हलाल करते हैं जिन सलाह ने मना किया तो वो वक्ती लजत होती है तो वो खत्म हो जाती है अगर वो क्वांटिटी के लिहाज से बढ़ती भी जाए लेकिन उनकी क्वालिटी उनके अंदर से बरकत खत्म हो जाती है वो हमें सुकून नहीं दे सकती ही बाक़ और अल्लाह के पास जो है वो बाकी रहने वाला है तो इसलिए जो अल्लाह के पास है उसकी मकदार हाक कितनी ही कम क्यों ना हो अल्लाह उसमें बरकतें जरूर रखते हैं वो अल्लाह कहते हैं कि जिन लोगों ने सबर किया उनको अजर दिया जाएगा उनको बदला दिया जाएगा भी आसानी बेहतरीन अजर और वो अजर उनको क्यों दिया जाएगा या अमल जो वो अमल करते थे यानी सब्र का जो मतलब होता है ना अपने आप को किसी चीज पर बांधना रोक के रखना तो जो हम वादे करते हैं बाजूकात उनको तोड़ने का भी दिल चाहता है लेकिन सबर के सब हम उन पे पूरा उतरते हैं हम रुक जाते हैं हम कहते हैं हमें कमिटमेंट को नहीं तोड़ना सामने वाले रवैया मेरे साथ कैसा ही क्यों ना हो यानी ये लोग अल्लाह से किए हुए वादे और बंदों से किए हुए वादों को सब्र के साथ पूरा करते हैं दुनिया में तमा के मुकाबले में अपने आप को हक पर कायम रखते हैं सबर एक बेहतरीन अमल है ये तमाम अमाल की बुनियाद है इसकी तीन किस्में होती है ना हम काफी दफा इसको पढ़ के आए हैं अल्लाह और उसके रसूल के काम पर कायम रहना और ताबीयत को इनका पाबंद रखना इसी तरह अपने आप को अल्लाह की मना करदा चीजों से रोके रखना यानी और फिर इस तीसरी किस्म मुसीबत पर सबर जायज इसके शिकवा करने के वेला करने के रोने धोने के अपने आप को के रखा, तो अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया है ताकीद की है कि हम सबर करने वालों को उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जरूर बदला देंगे बेहतरीन अमल से मुराद सबर यानी उनके सबर के मुताबिक उनको अजर दिया जाएगा और एक माना यह भी है कि हम इनकी इनके अमल से भी ज्यादा देंगे जो कम ज़्याद से कम दस गुना और ज्यादा से ज्यादा बेहिसाब है इंसान एक नक करता है दस गुना अजर देते हैं और बाजुकात अनलिमिटेड रमज़ान आ रहा है ना तो हमारे कुछ काम जितने खिलास हम करेंगे वो अनलिमिटेड हो जाएगी ज्यादा और वैसे आम दिनों में एक नेकी करने पे दस गुना अजर रमजान में सत्तर और सत्तर से भी आगे बढ़ जाता है तो लेकिन मसला ये है कि हमें खुद को रोके रखना है ना अब रमजान की अगर बात की जाए तो यहां इस पे भी सबर की जरूरत है रमजान हमें सबर सिखाता है रमजान हमें चीजों को काबू रखने और कंट्रोल करने का हुक्म देता है बहुत बड़ा लेसन है इसमें लेकिन अल्लाह सुबाना तला फरमाते हैं कि जो सबर करता है ना फिर उसको अल्लाह बेहिसाब अजरत आ करते हैं इनमा युफस सबिरून अजरहुम बिदिर हिसाब सब्र करने वालों के अजर की तो कोई लिमिट ही नहीं है यानी जिसके अंदर जितना सबर होगा अल्लाह उसके सबर के मुताबिक उसको अजर देंगे यानी उससे भी ज्यादा अजर मिलेगा जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते ना गिन सकते हैं ना उसकी پیمائش कर सकते हैं ना उसको तौल सकते हैं सबर एक ऐसी चीज है इंसान के आमाल एक ऐसी चीजें हैं तो इसलिए अल्लाह के यहाँ कुछ चीजें कुछ अमाल का अजर बेहिसाब है उनमें से एक चीज क्या है सबर तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मन अमिला अब यहाँ पे तसल्ली दी गई है औरतों को भी कि तुम में से कोई मर्द है या औरत अगर वो नेक अमल करती है वो मोमिन है तो फिर औरत अपने आप को कमतर ना समझे कि उसे महरूम कर दिया जाएगा या ऐसा ख्याल ना करे अल्लाह ने तो इस्लाम ने को बहुत ज्यादा मुकाम दिया अल्लाह तो कहते हैं कि अगर कोई मोमिन है चाहे वो मर्द है या औरत अगर कोई अच्छा काम करम कर रहे हैं फलां हयात तजीबा हम उसे जरूर जिंदगी बख्शेंगे पाकिजा जिंदगी और पाकिजा जिंदगी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं हलाल रोजी अल्लाह ने नेनात अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसी पे खुश रहना सच्ची इज्जत अल्लाह अदा करते हैं सकून और इतमान अल्लाह अदा करते हैं दिल होना यानी दिल बड़ा हो जाता है जरफ़ बड़ा हो जाता है अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है ईमान की लजत ये सब चीजें हयात तो में शामिल है पाकिजा जिंदगी किसको कहते हैं इन तमाम चीजों को पाकिजा जिंदगी सिर्फ ये नहीं होती कि हम किसी एक मकसद में पाक हैं और हमारी आंख और दिल पाक है इसके अलावा भी हलाल रोज़ी दिल का इतमान अल्लाह की मोहब्बत ईमान की लजत यह सब किसको मिलेगा जो ईमान और साले की पर अपने आप को पुख्ता रखेगा अपने आप को रोके रखेगा ये ईमान और अमले सालेह की बदौलत नसीब होगा और जो ईमान या अमले साले या दोनों से महरूम हो जाते हैं उनको दुनिया के अंदर ये सब चीजें नहीं मिलती तो इसका मतलब एक हमें ये भी समझ में आता है कि नेकी जो ईमान वाला होता है जिसके अंदर नेक आमाल करने का शौक होता है उसको सिर्फ आखरत के अंदर ही अजर नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर भी उसको अजर दिया जाएगा ऐसा में अपने अमल से ऐसी लजत पाता है जो माल और जाह की लजत से कहीं ज्यादा होती है क्योंकि अल्लाह ते उसकी किस्मत पर राजी करके उसे कैनात अता फरमा देते हैं और उसके नतीजे में वो माल बचा बचा के रखने और बढ़ाने की उसके अंदर कम होती जाती है और इसके बरक्स काफिर की जिंदगी माल और जाह के बावजूद खुशगवार नहीं होती क्योंकि उसकी हिस्स और दौलत को मजीद पाने की तमन्ना खत्म नहीं होती लेकिन अहले ईमान अल्लाह अला सुबा की राहमत की वजह से हयात अंदेबा क्योंकि उनको नसीब होती है इसलिए वो इस तरह की परेशानियाँ टेंशन से आजाद होती है और ऐसी ही परेशानियाँ इंसान को बेनियाज करती है इसलिए क्यामत के दिन ऐसे लोगों को कहा जाएगा अजहब तुम तो हयात दुनिया तुम अपने अच्छे अमाल का बदला अपनी दुनिया की जिंदगी में ले चुके हो और अब आखरत के अंदर भी उनको आला से आला रुतबा दिया जाएगा अल्लाह सब तला हम सबको ईमान और अमन सालिह करने वाले लोगों में यानी जो नेक अमाल करते हैं उन लोगों में क्षमा करे